उदाहरण 7, श्याम ने राष्ट्रीय बैंक में 64,000 रुपये जमा किए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 2.1% वार्षिक हो तो 3 वर्ष पश्चात उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, ब्याज की राशि भी बताएं। उदाहरण 7, हल। हम जानते हैं कि मिश्रधन बराबर कि मिश्रधन ए बराबर कितना होगा, पी एक धन आर बटे 100 पूरे की घात एन, जहां पी मूलधन है, आर दर है और एन समय है। हम देख लेते हैं कि प्रश्न में हमें क्या क्या जानकारी दी गई है। यहाँ मूलधन बराबर हमारे पास है पी बराबर 64,000 रुपये। इसके बाद दर दी गई है, दर आर बराबर 2.1% वार्षिक। इसको हम हल करके लिख सकते हैं 5/2% वार्षिक। इसके बाद समय, समय एन बराबर है 3 वर्ष। इन सभी का मान यदि हम सूत्र में रखें तो हमें मिलेगा, अतः ए बराबर पी का मान पहले रख लें, पी का मान कितना है 64,000 रुपये गुणित एक धन आर यानी कि 5/2 और पूरे के 100 घात कितनी है इसकी 3, क्योंकि समय दिया गया है 3 वर्ष। इसे हल करते हैं तो हमें मिलेगा 64,000 गुणित एक धन, इसे सरलतम रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5/2 × 100 पूरे की घात 3। चलिए आगे हल करते हैं। हमें मिला था मिश्रधन ए बराबर 64,000 गुणित एक धन 5/2 × 100 पूरे की घात 3। पुनः आगे हल करने पर 64,000 और उसके बाद हम इसे हल करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 5 से यदि हम इसे हल करें तो हमें मिलेगा इसे 1/40 और पूरे की घात 3, क्योंकि यहाँ 5 से ये कटकर 5 एकम 5 और यहाँ मिल रहा है 20 और ये हो गया 20 × 2 यानी कि 40। अब पुनः आगे हल किया जाए 64,000 और एक धन 1/40 को यदि आप हल करेंगे तो वो लिखाएगा 41/40 पूरे की घात 3। पुनः हल करते हैं और इसकी घात 3 है तो हम इसे हल करने के लिए 3 बार गुणा रूप में लिख सकते हैं, 41/40 गुणित 41/40 गुणित 41/40। इसे हल करने के लिए यदि हम 40 के पहाड़े से इसे हल करें तो यहाँ पर 40 एकम 40 और ये हल होकर हमें मिलेगा 1600। इसके बाद पुनः 40 के पहाड़े से हल करेंगे तो यह 1600 कटेगा 40 बार में और लास्ट में इस 40 से यदि हम इसे कैंसिल करें, काटें, तो 40 एकम 40 और यहाँ भी 40 एकम 40 यानी कि 40 × 40 × 40 ये हमें पूरा प्राप्त हुआ 64,000। ये पूरी तरह से कट गया, हल जो हमारा हर था वह 1 हो गया। तो अब अंश में हमारे पास है 41 × 41 × 41 और इसका जो गुणनफल होगा वो हमें प्राप्त होगा 68,921 रुपये। इस प्रकार मिश्रधन हो गया 68,921 रुपये। अब हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि बैंक से प्राप्त जो ब्याज की राशि है वो बराबर हो जाएगी मिश्रधन ऋण मूलधन। मिश्रधन कितना है 68,921 रुपये और मूलधन हमारे पास है 64,000 रुपये, तो प्राप्त राशि हो गई 4,921 रुपये।
इस तरह हमें चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो प्राप्त हुआ 4,921 रुपये और यह प्रश्न हल हुआ।